आज हम अपने किचन में जो बर्फी बना रहे हैं वो बहुत ही मजेदार तैयार होती है और बच्चों की बहुत फेवरेट है, सर्दियों में चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है और जल्दी से तैयार होने वाली डिश है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग विद दुआ। आज हमारे किचन में बन रही है सूजी की बर्फी, तो उसके बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो देखते हैं। हाफ कप सूजी हमें चाहिए, 1/3 कप आलमंड्स हैं, इनको हमने पीस लिया है किसी भी ग्राइंडर में या स्पाइस ब्लेंडर में मिक्स करके ना पीस लिया हमने। 1/3 कप सूखा दूध का पाउडर है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, कंडेंस मिल्क 350 ग्राम हमने लिया है, कैरेमल वाला आपने यूज करना है इसमें, बटर 1/2 कप, पानी 2 घूंट हमने यूज करना है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। जी व्यूअर्स, एक पैन लेके इसको हमने मीडियम हीट पे गरम कर लिया, इसमें हम बटर डालेंगे और साथ ही इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। और इसमें सूजी डालकर इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि सूजी लाइट ब्राउन कलर की हो जाए। सूजी हमारी कुक हो रही है और इसको हम मुतवातर चम्मच को आपने चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपने इसको इतना भूनना है कि सूजी लाइट ब्राउन कलर की हो जाए। जी जो सूजी हमारी भून गई है और अब आप देख सकते हैं कि इसका चाय की तरह का कलर हो गया और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इस वक्त, तो इसका मतलब है ये तैयार है। इसको हम उतार लेते हैं। अब सूजी को हमने चूल्हे से उतार कर 1 मिनट के लिए रख दिया है रूम टेम्परेचर पे। 1 मिनट के बाद हम इसमें सूखा दूध डालेंगे और कंडेंस्ड मिल्क कैरेमल वाला जो है ये डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ये पिसे हुए जो बादाम हैं ये भी डाल देंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है इधर ही। जी व्यूअर्स, सब चीजों को ये देखें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मेक श्योर करें कि ये सब चीजें अच्छे से सूजी के अंदर मिक्स हो जाएं। सूजी गरम गरम है तो वो सब इजीली मिक्स हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पैचुला से करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, कोई इसमें लंप्स नहीं बनेंगे। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, ये देखें। अब हमने सूजी में जो सब चीजें मिक्स की थी इनको हमने दोबारा से चूल्हे पर रख दिया और हीट को हमने मीडियम कर दिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 घूंट पानी आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो और डालें, पानी ज्यादा इसमें नहीं जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पानी मिक्स करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह लगेगा और आप ये देख सकते हैं मैंने उसमें से भी पानी थोड़ा बचा लिया है। सो तकरीबन मैंने 1 घूंट पानी ही इसमें यूज किया है, पानी इसमें ज्यादा नहीं जाएगा। बस ये आपको जैसे पतला पतला फील होगा तो आपने पानी डालना बंद कर देना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है मीडियम हीट पे, इतना भूनना है कि ये हलवे की शक्ल में आ जाए। अभी ये एक डो की शक्ल में है, इसको हमने हलवे की शक्ल में लेके आना है भून भून के। जी व्यूअर्स, इसको मुझे भूनते हुए नॉन स्टॉप 3 मिनट्स हो गए हैं। 3 मिनट से मैंने इसको मुतवातर भूना है अच्छी तरह हिला हिला के। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा भुरभुरा हो गया और साइडों पे ऑयल भी इसके नजर आ रहा है, आपको ऑयल के बबल्स बन रहे हैं और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। जी व्यूअर्स, इसको मैंने एक ट्रे में डाल लिया और अब मैं इसको स्पून की मदद से लेवल कर रही हूँ इसकी सारा बिल्कुल एक जैसा इसको करके, तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे सेट होने देंगे। अभी ये गरम है, मैंने गरम गरम इसको ट्रे में डाला है ताकि मैं इसकी टुकड़ियाँ काट सकूँ अपनी पसंद के मुताबिक जब ये सेट हो जाए। सो इसको स्पून की मदद से आप फ्लैट कर लें अच्छी तरह से और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी टुकड़ियाँ काटेंगे और इसको सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सूजी की बर्फी रेडी है। इसको मैंने ठंडा करके
और इसको काट लिया है, आप देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप में, और इस पे मैंने पिस्ता डाल के इसको गार्निश किया है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।